हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप सबको बताने वाला हूँ कि आप अपने पीसी, लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर के अंदर एंड्रॉयड एप्लीकेशंस को कैसे रन करा सकते हो। तो एंड्रॉयड एप्लीकेशंस को अपने पीसी, लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर के अंदर चलाने के लिए आप सभी को मैं तीन मेथड बताने वाला हूँ। उन तीनों मेथड से ही आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन को अपने पीसी के अंदर आराम से इजीली चला सकते हो। तो जिस भी ऑप्शन या फिर जिस भी तरीके हो आपके लिए सूटेबल हो तो उसको आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे को ये बताना चाहता हूँ कि कुछ ऐप्स तो ऐसे होते हैं जो हमें जो पीसी के लिए और अपने मोबाइल के लिए दोनों के लिए बने हुए होते हैं। जैसे आप यहाँ पर प्लेट देख सकते हैं, ये प्लेट पीसी के अंदर पीसी के वर्जन में भी अवेलेबल है और हमारे एंड्रॉयड स्मार्टफोन में भी ये अवेलेबल है। तो कुछ ऐप्स तो ऐसे होते हैं जो सक्सेसफुली अपने पीसी के अंदर और अपने मोबाइल के अंदर दोनों के अंदर इंस्टॉल हो जाते हैं। इनके लिए किसी भी इम्यूलेटर की ज़रूरत नहीं होती है और ना ही किसी अदर सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। तो हम इन्हें सीधे बिल्कुल मैन्युअली हमें आराम से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद जो सेकेंड जो मेथड है वो ये है कि आपको विंडोज़ 10 और विंडोज़ 11 के अंदर एक माइक्रोसॉफ्ट स्टोर मिलता है। मैं इसे यहाँ से ओपन करा के आपको दिखा देता हूँ। ये जो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है इसमें बहुत से ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं जिनको हम आराम से बिना किसी एम्यूलेटर के और बिना किसी अदर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करें हम आराम से इनको अपने पीसी, लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करके यूज़ में ले सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर स्पॉटिफाई, व्हाट्सएप, यहाँ पर इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स, टेलीग्राम फॉर डेस्कटॉप, ये जितने भी एप्लीकेशन है, यहाँ पर कुछ गेम्स भी है जिनको हम आराम से यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं, वो भी वन क्लिक के अंदर। और जैसे भी इनको वन क्लिक के अंदर इंस्टॉल करेंगे तो इंस्टॉल करने के बाद ये हमारे पीसी के अंदर 100% वर्किंग भी कर ले लग जाएंगे। तो और इस तरह से आप अपने पीसी के अंदर इन ऐप्स को आराम से इंस्टॉल कर सकते हो। और अगर आपको अगर टोटल ऐप्स अगर आपको अपने पीसी के अंदर एंड्रॉयड ऐप्स अगर इंस्टॉल करने हैं तो लास्ट में जो थर्ड मेथड आता है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो थर्ड मेथड में मैं आप सबको बताने वाला हूँ दो बेस्ट एम्यूलेटर्स के बारे में। तो अगर आपके पीसी के अंदर स्पेसिफिकेशन अगर बहुत ही अच्छी है या फिर अगर आपके पीसी के अंदर i3 सीरीज़ का अगर प्रोसेसर है या फिर i सीरीज़ का अगर प्रोसेसर है तो आप सभी को मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ब्लूस्केट और MSI प्लेयर, ये दोनों ही बहुत ही अच्छे एंड्रॉयड एम्यूलेटर है। आप इन दोनों को आराम से यूज़ कर सकते हैं। इन दोनों को डाउनलोड और इंस्टॉल करने की वीडियो मैंने पहले से बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में आपको उनकी लिंक भी मिल जाएगी। तो इन दोनों एंड्रॉयड एम्यूलेटर्स के अंदर सबसे पहले आपको इनको इंस्टॉल करने के बाद आपको इनके अंदर अपने गूगल अकाउंट से लॉगिन करना पड़ेगा। और गूगल अकाउंट से लॉगिन करने के बाद इन ऐप्स को आप आराम से जितने भी आप एंड्रॉयड्स में जितने भी ऐप्स सपोर्ट करते हैं वो सब ऐप्स आपके पीसी के अंदर इंस्टॉल हो जाएंगे और आप इनको यूज़ भी कर पाएंगे। लेकिन इसके अंदर एक कंडीशन होती है कि आपके पीसी के स्पेसिफिकेशन थोड़ी अच्छी होनी चाहिए जिससे ही ये जो एंड्रॉयड एम्यूलेटर्स है ये अच्छे से काम कर पाते हैं और इनके अंदर ग्राफिक कार्ड की भी ज़रूरत होती है। तो ये थे तीन मेथड जिनको फॉलो करने के बाद आप एंड्रॉयड ऐप्स को अपने पीसी, लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर के अंदर आराम से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जो भी मेथड आपको अच्छा लगे उस मेथड से आप अपने पीसी, लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर के अंदर एंड्रॉयड एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं। एंड अगर आपके अगर पीसी में अगर कोई भी प्रॉब्लम है या फिर आप कोई भी अगर आप कोई भी क्वेश्चन अगर मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर जा सकते हैं और इंस्टाग्राम अकाउंट पर हमें आप मैसेज कर सकते हैं। तो मैं जल्द से जल्दी कोशिश करूँगा कि आपका जो मैसेज है उसका रिप्लाई करूँ मैं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। And thanks for watching this video and subscribe my YouTube channel for more new latest updates. Thank you.